बिहार में तीन चार दिनों से मौसम बदला हुआ है। बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं फसलों को काफी नुकसान हुआ। आज भी बिहार के 24 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इनमें जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बांका, कटिहार, पूर्णिया समेत अन्य जिले शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सोमवार की रात से लेकर मंगलवार तक बिहार में और गहराएगा। इस दौरान बारिश, बिजली गिरने और ओला गिरने के आसार बने हुए है। बेमौसम बारिश होने से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हुआ है। बता दें कि सोमवार को भी बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश हुई। बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा से ठंड बढ़ती चली गई। पूरे बिहार के अधिकतम तापमान में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में बारिश होने की संभावना जताई गई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन का तापमान 28 से 30 डिग्री और रात का तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच रहने के अनुमान है। 22 मार्च से दिन और रात के तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। 23 के बाद मौसम में सुधार होगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं।